दिनांक 23 मार्च 2021 को थाना कोतवाली पर नैसर पुत्र बाबू हुसैन द्वारा लिखित सूचना दी गई कि उनकी पत्नी अनीशा ने दो बच्चे टीना उर्फ मोहम्मद के साथ उनके पड़ोसी अब्दुल उर्फ कुल्लू के साथ कहीं भाग गई हैं। इस संबंध में उनके द्वारा अब्दुल का मोबाइल नंबर हमको उपलब्ध करवाया गया। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके हमारी टीम अब्दुल और उनकी पत्नी की खोज में लग गई, जिस संबंध में विभिन्न जगहों पर दबिश दे करके फाइनली हमने अब्दुल को, जो कि बम्बई भागने की फिराक में था, उसको अरेस्ट किया, उसको पकड़ा। उससे पूछताछ के दौरान उसने पहले हमें गुमराह करने की कोशिश की और बताया गया कि जो अनीशा है वह अपने पहले पति, जो कि बनारस में रहने वाले हैं, जिनसे उनको एक 17 साल का बेटा है, तो अपने पहले पति के बेटे के साथ बनारस में है। जब टीम ने बनारस में क्रॉस चेक किया और पता चला अनीशा वहाँ नहीं है, तो अब्दुल से फिर दोबारा पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसने अनीशा और उसकी बेटी को गला घोंट के मार दिया और अपने ही घर में लाश को दफन कर दिया है। अभियुक्त की निशानदेही पर, क्योंकि बॉडी एग्ज्यूम करनी थी, तो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए बॉडी को एग्ज्यूमेशन करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। जो दूसरा पुत्र, 5 साल का पुत्र वादी का, मेरा महसर का जो 5 साल का पुत्र था, जो कि अब्दुल के पास था, उसको रिकवर कर लिया गया, सकुशल रिकवर करके उनके पिताजी को दे दिया गया है। और मीडिया को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उनकी मदद से, उनकी सकारात्मक भूमिका से हम 5 साल के बच्चे को बचा पाए। और अभियुक्त को इस चीज़ की जानकारी नहीं हुई कि पुलिस उनको पकड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। अब्दुल ने इसमें अपनी माता के दूसरे पति 1 लाख का उनका साथ देने की बात कबूली है। 1 लाख को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है और आगे की विवेचना में जो भी चीज़ें आएंगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा।